This video is powered by somtips.com. Check description for more information. तो हम लोगों को सभी के घर में एक रूम थिएटर या स्पीकर तो है 5.1 हो, 4.1 हो या 2.1, लेकिन ये sometimes खराब हो जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा इस Zebronics के स्पीकर मेरा खराब हो चुका है, ऑन नहीं हो रहा है, तो इसको कैसे रिपेयर करना है। हाय, आई एम सोनू दिवाचंग सोमटिप्स। तो ये Zebronics का एक 4.1 ब्लूटूथ स्पीकर है, तो ये खराब हो चुका है। तो उसको पहले रिपेयर करने के लिए आपको घर में पीछे से इसको खोलना होगा। तो पीछे 5-6 स्क्रू होंगे, वो खुलने के बाद यहाँ पर देखिए एक क्लिप होंगे, ये है ऊफर का क्लिप, तो स्पीकर का क्लिप है, बड़ा वाला स्पीकर, और ये एक क्लिक केबल है जो फ्रंट वाला का जो कनेक्शन है, डिस्प्ले है, पोर्ट है, USB पोर्ट, उस सब का कनेक्शन यहाँ पर आउटपुट आते हैं, तो जनरेट होकर ऑडियो आउटपुट आते हैं, तो उसको आपको खोलना होगा। तो ये खुल जाने के बाद यहाँ पर देखिए सामने वाला अभी ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि मैं जब पावर दे रहा हूँ तो ये स्पीकर में जो एक कनेक्शन का आवाज़ आते हैं नॉइज, वो आ रहा है, लेकिन ये डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा है और साउंड भी नहीं आ रहा, मतलब ये लॉजिक कट में करंट ही नहीं जा रहा है। तो इसीलिए बैकग्राउंड का जो पोर्ट है वो खुला हो, तो इसमें देखिए एक स्विच होता है पहले ऑन ऑफ का, AC 220 वोल्ट या 230 वोल्ट आते हैं, फिर उसके बाद इनपुट आउटपुट होता है ऑडियो का, फिर एक FM एंटेना रहता है और ऊपर में एक सील रहता है। तो क्योंकि मेरा वारंटी ख़त्म हो चुका है तो मैंने खुद खुल लिया। अगर आपका वारंटी के अंदर है तो ये आप मत कीजिए, सर्विस सेंटर में जाइए, क्योंकि ये पुराना मॉडल है, तो इसीलिए ट्रांसफार्मर बेस्ड सर्किट है। अगर नया वाला होगा तो SMPS बेस्ड, ट्रांसफार्मर वाला बेस्ड तो ज़्यादा वेट होता है और अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखिए एक फ्यूज़ है पहले, या फ्यूज़ के बाद जो AC का लाइन आ रहा है, पहले फ्यूज़ होते ये ट्रांसफार्मर में जा रहा है, फिर उसके बाद देखिए एक FM एंटेना है, तो ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो ऑडियो का वायर है और ब्लू वाला वायर में 14 वोल्ट AC जा रहा है, 2 14 वोल्ट AC और मिडिल वाला ग्राउंड। तो अक्सर खराब क्या होते हैं, ये कैपेसिटर खराब होता है। देखिए मेरे जो सभी कैपेसिटर में कैपेसिटर को चेक कर रहा फिजिकली कि ऊपर में ऊपर उठ गया है या कोई फिजिकल डैमेज हुआ है कि नहीं, फुल गया है नहीं, लेकिन ये कैपेसिटर कोई भी कैपेसिटर में कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी कैपेसिटर वर्किंग करेक्टली, तो फिजिकली सभी कैपेसिटर ठीक ठाक है। और इसका लेफ्ट साइड में देखिए 3 IC है, TDA 2030A बोल के ऑडियो एम्पलीफायर, 3 IC और IC के पीछे हीट सिंक है, बड़ा वाला हीट सिंक है, बहुत ही हीट होता है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा वाला वाट का, हाई वाट का स्पीकर है। तो इसमें अंदर और एक भी IC है, तो ये IC ज़्यादा ख़राब नहीं होते, खराब होता तो डायोड खराब होता है। तो मल्टीमीटर से आप चेक कर लीजिए कि डायोड खराब है या नहीं, तो डायोड मैंने चेक कर लिया, ख़राब नहीं हो। डायोड चेक करने का एक ही तरीका है, एक वायर से ये कनेक्टिविटी आएंगे बीप करेंगे और एक वायर से रेजिस्टेंस शो करेंगे, तो सभी मैंने चेक कर लिया हो। तो अभी और एक चीज़ है यहाँ पर, वोल्टेज रेगुलेटर, ये 7805 बोल के वोल्टेज रेगुलेटर मेरा वाला यही ख़राब हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पीछे से मैंने चेक किया तो यहाँ पर देखा कि 18 वोल्ट तक इनपुट आ रहा है, लेकिन ये आउटपुट 5 वोल्ट के जगह 1 या 2 वोल्ट दे रहा है। तो राइट साइड से इनपुट आ रहा है और लेफ्ट साइड से आउटपुट आ रहा है, मिडिल वाला ग्राउंड है। तो आप मल्टीमीटर से चेक कर लीजिए, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी नोटिस किया कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सम टिप्स एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर वीडियोस। 5 वोल्ट नहीं आ रहा है इसीलिए ऑन नहीं हो रहा है। तो 7805 आप बाजार में 5-10 रुपये के अंदर मिल जाएंगे, तो एक खरीद लीजिए। फिर उसके बाद इस IC को वहाँ से डी शोल्डर करने के बाद शोल्डर करना होगा, इसीलिए डी शोल्डर वायर भी लगेंगे, 10-15 रुपीस के अंदर लोकल मार्केट में मिल जाएंगे। फिर उसके बाद शोल्डर वायर और शोल्डरिंग आयरन लगेंगे। देखिए मैंने इसको पहले डी शोल्डर कैसे कर रहा, देखिए एक थोड़ा 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस शोल्डर आयरन को सेट कीजिए, फिर उसके बाद देखिए ऊपर से ऐसे सोल्डरिंग वायर को उसके ऊपर जहाँ पे IC का आउट लेग है उसके ऊपर दे दिए, तो क्या होंगे जो जो शोल्डर है वो मेल्ट होकर इस सोल्डरिंग डी शोल्डर वायर में अटक जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होंगे, ये लूज हो जाएंगे और IC को सामने तरफ से खींचेंगे, तो ऐसे देखिए 7805 वोल्टेज रेगुलेटर IC बाहर आ गया। तो इसके अंदर ग्लू भी था, तो ग्लू भी गलना ज़रूरी है, तो ये खराब हो जाएगा, तो अभी इसको मैंने रिप्लेस करने जा रहा हूँ। तो ये मैंने IC से क्लियर किया, तो नंबर देखने के लिए तो देखिए 7805 जो IC मैंने बोला था, तो सेम 7805 IC मेरे पास है, तो ये IC मैंने इसमें शोल्डर करने जा रहा हूँ। तो शोल्डर करने के लिए पहले आपको IC को लेना होगा, फिर उसके बाद क्लीन कर लीजिए इस लेग को, तो उसके बाद आपको ऐसे IC जिस जैसे कि मेरा था जो फ्रंट फेस टू द कैपेसिटर, जो कैपेसिटर सामने लेफ्ट साइड पे उसकी तरफ ये फेस था, तो ऐसे मैंने सेट कर लिया, इसका डायरेक्शन मत चेंज कीजिए। तो ऐसे सेट करने के बाद मैंने पीछे से इसका शोल्डर करना होगा, तो उसके लिए ऊपर में थोड़ा सा जो रोजिन होता है या फिर जो
सोल्डरिंग जो पेस्ट होता है वो दीजिए, फिर उसके बाद सोल्डरिंग आयरन को एक हाथ से पकड़िए और दूसरे हाथ से इसके ऊपर सोल्डर कीजिए। तो मैंने ऐसे करके इसको सोल्डर कर चुका हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैंने सोल्डर कर चुका हूँ। ऐसे धीरे से कीजिए, किसी की लेग से किसी को लेग शॉर्ट मत कीजिए। तो फिर उसके बाद अभी टेस्टिंग टाइम है, तो एसी बोल्ट में कनेक्ट कीजिए और एसी बोल्ट में सावधान से आप काम कीजिए। तो देखिए ये मिडिल वाला ग्राउंड है और राइट वाला इनपुट है, 18 वोल्ट आ रहा है और आउटपुट एग्जैक्टली 5 वोल्ट आ रहा है, तो मतलब ये आईसी 100% परफेक्ट। तो हम लोग घर में ही बहुत इजीली ये रूम थिएटर को फिक्स कर लिया हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया हो। तो देखिए मैंने फिर से कनेक्ट किया एसी से, तो यहाँ पर डिस्प्ले आ रहा है, तो ठीक है डिस्प्ले आ रहा है। और एक चीज़, ये कनेक्शन क्लोज मतलब ये बॉक्स क्लोज करने से पहले आईसीयू फॉइल से सर्किट को थोड़ा क्लीन कर लीजिए, अगर आप चाहते हो तो क्लीन हो जाए। तो इसलिए मैंने आईसीयू फॉइल 99.9% यूज़ कर रहा हूँ, तो एक ईयरबड्स से मैंने इसको क्लीन कर रहा हूँ। देखिए ऐसे आप ईयरबड्स में एक आईसीयू फॉइल के अंदर डालिए, फिर उसके बाद इसको रब कीजिए। ऐसे रबिंग करेंगे तो ये जो जो सोल्डरिंग पेस्ट है, स्टिकी ग्लू है, सब ऊपर आ जाएंगे, प्योरली क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो लेग बड़ा वाला लेग है, आप प्लास्टिक को कट कर सकते हैं, लेकिन ये उतना प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं खड़ा कर रहे थे, इसलिए मैंने उसको एज यूजुअल जैसा था ऐसे ही रखने दे दिया। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लिया है, तो अभी मैं इसको फुल सेटअप करूँगा, जो जो वायर है सब कुछ कनेक्ट कर दिया। तो देखिए ये चल रहा है, तो फुल वॉल्यूम पे चल रहा है और देखिए सब ऊपर कितना बाउंस कर रहे, तो बहुत ही अच्छा वाला स्पीकर है, इसका साउंड भी बहुत ही अच्छा। अगर इसका रिव्यू देखना है तो आई बटन पे दे दूंगा, आप जरूर से इसको रिव्यू देख लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं मिलता हूं नए वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय एंड स्टे सब्सक्राइब टू सोम टिप्स।